दिल्ली में जब जो जितने पुलिस कर्मी हैं वो लगभग 87,000 हैं, इतने कर्मियों के होते हुए भी दंगे रुक नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि जो भाषण दे रहे थे उनके ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं? आपने तो कोई बयान नहीं दिया, आपने तो जनता को, देश की जनता को संबोधित नहीं किया। आप दिल्ली के दंगों की बात नहीं करोगे? और मैं आपको यह भी आज आश्वासन देना चाहता हूं, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। आपने एसआईटी तो बिठा दी, लेकिन पीड़ित लोग को अक्यूज्ड बनाया जाएगा और जिन्होंने फसाद किया उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। दो किस्म के वायरस ने तबाही मचा रखी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी बुनियाद हमें अभी नहीं मालूम हुई, अभी रिसर्च हो रही है। इतना ज़रूर मालूम है कि वुहान से वो शुरू हुआ था और विश्व में फैल रहा है, और एक वायरस यहाँ चल रहा है। ये ऐसा कम्युनल वायरस है, वो तेज़ी से बढ़ावा उसको मिल रहा है। इतना तो हमें मालूम है कि इसकी जड़ क्या है और कहाँ से आती है, इस बात का तो हमें मालूम है। गंभीर बात यह है कि जब ये वायरस फैल रहा था तो इसका साथ कौन दे रहा था? और गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है जहाँ के पुलिसकर्मी खुद कैमरा तोड़ रहे हैं, खुद CCTV कैमरास तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं ये तो सभी को मालूम है। इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हो उनका एविडेंस सामने नहीं आए, उनके बेनिफिट के लिए तोड़ रहे हैं निश्चित रूप से। और साथ साथ में जो हिंसा हो रही थी उसका साथ भी दे रहे हैं। एक ऐसा हादसा एक और सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी एक जख्मी इंसान को लाठी के साथ उसको मुंह पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू बोल जनगणमन गा। मर गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये सब भी हमने देखा। मरवा के खिलवाना है आपको, बीच में मत बोलिए। और आपको मालूम है कि 24 फरवरी को 144 लागू हो गया और लागू होने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और जब पुलिस को पूछा गया और भड़काऊ जो भाषण हुए उसके बारे में भी पूछा गया, कोर्ट ने पूछा, एक न्यायाधीश ने पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे भाषण हो रहे थे और ऐसी इमेजेस दिखाई जा रही थी, तो पुलिस ने कहा नहीं हमें कुछ नहीं मालूम, हमने तो देखे ही नहीं। और असलियत ये थी कि फिर न्यायाधीश ने कहा मैं आपको दिखाता हूं। सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलिस कर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था, मालूम नहीं गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं बताएंगे हमें। अब इस बात का तो हमें मालूम है कि दिल्ली में जब जो जितने पुलिस कर्मी हैं वो लगभग 87,000 हैं, इतने कर्मियों के होते हुए भी दंगे रुक नहीं पाए। और मुझे तो ताज्जुब है कि गृह मंत्री जी ने एक PIB की रिलीज हुई थी 5 बजे शाम को 25 फरवरी को और उसमें कहा गया कि प्रोफेशनली हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो सारी जो हादसा हुआ है वे स्पॉन्टेनियस है। ये PIB की रिलीज है, मैं आपको पढ़ भी सकता हूं सदन में। और कल गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी, ये तो कंस्पिरेसी थी। तो 25 फरवरी को तो स्पॉन्टेनियस था और कल लोकसभा में कंस्पिरेसी हो गई, ये बदलाव कैसे आया? अब कह रहा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए। तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलिस जो हिंसा करवा रहे थे कर रहे थे उनका साथ दे रही थी। और उसका नतीजा क्या हुआ?
कैसे कैसे लोग, बेकसूर लोग मारे गए जिनका कोई दंगो फसादों से लेना देना नहीं। एक 85 साल का बूढ़ा, उसको तीसरे फ्लोर पे जाकर उसको जला दिया गया। 85 साल का बूढ़ा, उसको क्या लेना देना है दंगों से। एक 22 साल का लड़का, वो सुबह जा रहा था दो लोगों के साथ, और ये फरवरी 26 की बात है जब गृह मंत्री जी ने कहा कि 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ, तो मैं 26 फरवरी का ही वाक्य बता रहा हूं। तो वो मोटरसाइकिल के साथ दो और लोगों के साथ जा रहा था और करावल नगर में, तो वहां रोका गया, उसको बोला कि तुम बताओ कौन हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है। तो चुप रहा, फिर उसके कपड़े उतारे गए, फिर उसको मार दिया गया। ये दिल्ली में हो रहा था। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने गुरुग्राम में एक सुपरिंटेंडेंट की पुलिस कर्मियों की बैठक में कहा कि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, ये उनका कर्तव्य है, और लागू करना पुलिस का कर्तव्य है, और जहां पुलिस उसको लागू नहीं करती तो लोकतंत्र पे एक धब्बा है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, शायद गृह मंत्री की तरफ, शायद उसका, शायद आपके बारे में कुछ कह रहे थे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ये तो दिल्ली में हो रहा था गृह मंत्री जी। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? किसी ने बहस के बीच में नहीं बोलना है। वो लोग आज कह रहे हैं, गंभीरता से लोग आज जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि किसका सहारा दूं, किसका सहारा लूं, कानून तो हथियार बन गया है, किसका सहारा लूं, कानून तो हथियार बन गया है, अब तो शहर में बेकसूर भी गुनहगार बन गया है, शहर में बेकसूर भी गुनहगार बन गया है। चल रहा था बेफिक्र होकर घर की सड़क पे, मैं उसी सड़क पे हिंसा एक त्योहार बन गया। यह है असलियत दिल्ली की, जहां कभी दंगे नहीं होते थे। और ताज्जुब की बात गृह मंत्री जी यह है कि नॉर्थ ईस्ट की टोटल जो आबादी है वो लगभग 22 लाख है, 22 लाख आबादी है। 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं, उसमें 68% हिंदूज हैं और 29% मुस्लिम्स हैं। और जो मेरे पास आंकड़े हैं, लगभग 53 लोगों की मौत हुई है, उसके 44 के तो मेरे पास आंकड़े हैं, उनमें से 32 लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और 12 लोग दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये हिंसा का नाच क्यों हो रहा था? वो वायरस की वजह से हो रहा था, किसी और वजह से नहीं हो रहा था। और फिर ये वायरस फैलाया किसने? ये वायरस उन्हीं लोगों ने फैलाया जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि जो भाषण दे रहे थे उनके ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुई? और ये तो कॉग्निटिव ऑफेंस है। जो कह रहा है कि देश के गद्दारों को और जनता कह रही है, मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता, वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें FIR की देरी क्यों? उन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं आपने दर्ज की? और जब न्यायाधीश ने पूछा तो आपके एक सोलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि उसका वक्त अभी नहीं आया, इट इज नॉट एन ऑपर्चून टाइम टू फाइल एन FIR। कोई FIR का भी ऑपर्चून टाइम होता है? जरा हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा लॉ वॉ सीख लें। द मोमेंट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड एन FIR हैज टू बी लॉज्ड। This is a license to kill. That is what was happening in Delhi. And the Home Minister must tell us ki FIR aaj tak lodge kyun nahi hui. Ek aapka sadasya kehne laga ki agar Shaheen Bagh ke logo jab ye baad mein kya hoga ki yahi log aapki hatya karenge, balatkar karenge, aapko maar denge. Ye to cognizable offense hai. अंडर 153A, तो आपने उनके खिलाफ FIR की, क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं वो, इसलिए नहीं कर रहा। हर्ष मंदर के साथ तो FIR हो गई,
लेकिन जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई। और एक आपका पार्टी के शख्स है, वो कहता है कि भाई जाफराबाद के नीचे जो मेट्रो के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, चांदबाग में भी जो बैठे हुए हैं, अगर वो 3 दिन में उसको उनको वहां से निकालोगे नहीं तो हम सड़कों पे आकर कुछ करेंगे। तो ये भड़काऊ बयान नहीं है। अगर आप वाकई में इस वायरस को कंट्रोल करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप करोगे नहीं, क्योंकि ये वायरस फैलाना चाहते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर ये वायरस युवा लोगों के मन में बैठ गया ना तो न आप रहोगे न हम रहेंगे और न लोकतंत्र रहेगा। लिख लो इस बात को, हमने कई बार कई जगह इस बात को देखा है सर। और गजब की बात यह है कि गृह मंत्री जी, आप तो खैर बहुत बिजी थे क्योंकि ट्रंप साहब आ रहे थे, एंड वाइल द सेलिब्रेशंस ऑफ ट्रंप वर बीइंग कोरियोग्राफ्ड एंड वर शोन ऑन टीवी चैनल्स ऑन हाफ द स्क्रीन ऑन द अदर हाफ स्क्रीन द कोरियोग्राफ्ड वायलेंस वाज बीइंग शोन, बोथ वर कोरियोग्राफ्ड एंड वेयर वर यू बिकॉज ही वाज बिजी इन अहमदाबाद। आप तो यहां भी पहुंच गए थे, आपने तो कोई बयान नहीं दिया, आपने तो जनता को, देश की जनता को संबोधित नहीं किया। आप इतना तो कह देते कि जो ऐसे दंगों फसाद में कोई हिस्सा लेगा उसको हम कड़ी से कड़ी, हमें होने नहीं देंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि पुलिसकर्मी अपने आप ये नहीं कर सकते थे, कहीं ना कहीं से तो उनको इशारा मिला होगा ना कि आप करो, हम उस तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं नहीं कांग्रेस के टाइम में बड़े दंगे फसाद, मुझे मालूम है आप जवाब क्या देने वाले हो। आप बात इतिहास की करोगे, कांग्रेस की करोगे, आप दिल्ली के दंगों की बात नहीं करोगे। और मैं आपको यह भी आज आश्वासन देना चाहता हूं, मुझे मालूम है क्या होने वाले। आपने SIT तो बिठा दी, लेकिन पीड़ित लोग को अक्यूज बनाया जाएगा और जिन्होंने फसाद किया उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। हमने कई बार ऐसी बात देखी, कई बार हमने देखी है बात। गृह मंत्री जी आपको यह भी मालूम है कि वहां एक नर्सिंग होम है कॉल्ड मोहन नर्सिंग होम में लोग छत पे चढ़ गए और 3 बजे मोहन नर्सिंग होम का मालिक कहता है कि भाई हमें बाहर जाना पड़ा क्योंकि दंगे फसादी ऊपर आ गए थे और छत पे चढ़ गए, और छत पे वो मास्क हेलमेट लगाए हुए थे ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए, और वो राइफल से गोली चला रहा था नीचे। अब ये इमेज तो आपके पास है, आपने किसको पकड़ा? जो आप टेक्नोलॉजी की इमेजरी की बात करते हैं तो आपने उसको पकड़ा? वो जो साथी थे वहां बैठे हुए थे उनको पकड़ा? आपने मोहन नर्सिंग होम के मालिक से पूछा कि तुमने FIR की कि मेरे यहां दंगाई आ गए हैं, आप कुछ करिए? आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की, और करेंगे भी नहीं आप। और ये जो लोग आ रहे थे क्या कर रहे थे? ये जो उज्ज्वला स्कीम है ना आपकी, उसके द्वारा जो सिलेंडर मिल रहे थे ना वो घरों में फेंक रहे थे, जला रहे थे। ये उपलब्धि है। पेट्रोल पंप पेट्रोल बोतलों में डाल के जला रहे थे, और पहले लोगों को डरा के भगा रहे थे, फिर उसी जगह उसी घर में लूट रहे थे, लूटने के बाद जला रहे थे, और ये दिल्ली में हो रहा था और प्रधानमंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों आप बर्बाद कर रहे हो इस देश की संविधान को? और मैं अपने साथियों को भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप भूल जाएं, अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाएं। भूलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हो उसकी दवाई हम ही हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, देखिए बाबा आप करते जाइए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिन खौफ के जब मैं चलने लगा हवा का रुख भी बदलने लगा। चलिए
शुक्रिया, वो रुख बदलेगा। और मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं, हम वो रुख बदल के रहेंगे और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। बहुत बहुत इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।